कहते हैं जिंदगी में कुछ पाते हैं तब कुछ खोते भी हैं। हमारे तीन प्यारे दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये राजू, इसकी तकदीर का ताला तो खुला, पैसे की बरसात भी हुई, लेकिन इसने भी अपनी बीमार माँ को खो दिया। पहचाना ये शाम, इसको दौलत का ढेर मिल गया, लेकिन एक एक्सीडेंट में इन्होंने अपनी मोहब्बत अनुराधा को खो दिया। और इनको कौन भूल सकता है, ये बाबूराव गणपतराव आपटे, इनके सर पे भी नगद नारायण की मटकी पड़ी। वैसे तो इनके पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं धोती के सिवाय, तो इन्होंने अपना दिमाग खो दिया। एक तो सुबह से प्रेशर नहीं आ रहा और ऊपर से इसको बाथरूम में घुसने का शौक है। वो बाथरूम में कड़ी क्यों नहीं लगाते हो आप? अरे वो क्या खजाना है कि कड़ी और ताला लगाऊं? अरे तो जो लोग गैराज देखने आते हैं उनको बाथरूम क्यों दिखाते हो? वो गैराज देखने नहीं, इधर रहने आया है। प्रेशर आ गया। ये क्या बेहुदा हरकत है? ये बेहुदा हरकत ना दिखाने के लिए ही तो मैंने दरवाजा बंद किया है। अरे क्या रे, उधर के चौकीदारी कर रहा है? देखिए ना बाबू भैया। क्या देखूं? इतनी देर से कपड़े धो रहा था, जब मैं बाथरूम की ओर गया तो धड़क से अंदर घुस गया। इसे कहिए ना कि जल्दी बाहर आ जाए, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना रहा है। ए, संडास में भी कभी इंटरव्यू होता है क्या? ए राजो तू बाहर ही रह, इसको जाने दे। ए बाबू भैया, आप मेरे पर्सनल मामले के बीच में मत आना, समझे? देखो बाबू भैया, ऐसे ही अंदर घुस गया, कुछ कर नहीं रहा वो। दरवाजा खुला रख दिया मैंने, जिस जिस को शक है वो अंदर आके देख ले, खुले दर्शन है। बाबू भैया आप बुजुर्ग हैं, आप अंदर चलिए। क्या रे बाबा, तुम्हारे लिए चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? बाबू भैया ए पीले गगन में चले उठा ले। जान पहचान नहीं है, कैसे उठाऊंगा? कम से कम 40-50 किलो का वजन होगा। धोती ये ले। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं बाद में आऊं? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग है ना कुंफू कराटे की प्रैक्टिस कर रहे थे प्यार से। आप लोगों में से शाम कौन है? मैं हूँ शाम। आप जरा यहाँ आएंगे? आपको मुझसे काम है? हाँ मुझसे काम है, है? देखा? अरे नहीं देखा रे, उसके देखने से पहले मैंने फट से धोती पहनी। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, शाम के पीछे गोपियां कैसे मंडरा रही थी वो देखा? अरे वो उसकी बहन होगी। हाँ। इतनी गोरी, आपको कैसे मालूम? उसने भी चश्मा पहना, इसने भी चश्मा पहना, दोनों चश्मी। उस हिसाब से तो आप उनके बाप होने चाहिए। ये शर्म नहीं आता है? ये 13 वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। किधर से ला के देगा बाबा वो तोतला सांड को पैसा, किधर से ला के देगा तू? गुनेगार हूं ना मैं आपका? अब तो एक ही रास्ता बचा है मेरे पास। तो आपका धोती बेचेगा मेरा? हर इंसान के पास 2 किडनी होती है। तो? लेकिन इंसान 1 किडनी पर भी तो जिंदा रह सकता है।
क्या बात कर रहे हैं बाबा? किसी पैसे वाले पेशेंट को एक किडनी बेच दूंगा, बहुत पैसे आ जाएंगे। फिर एक आंख बेच दूंगा और पैसे आ जाएंगे। फिर एक किडनी, फिर एक आंख, ऐसे करके सारा शरीर बेच दूंगा मैं। इसी में मैं तिवारी का कर्जा चुका के अपने पापों का प्रायश्चित पूरा करूंगा। ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा, ए देवा, 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 मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। तू बापू राव के लिए अपना किडनी बेचेगा, अपना आंख बेचेगा? ए देवा, देव दे, देव मानुष निकला रे तू, देव। मैं अपनी किडनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके किडनी और आंखों की बात कर रहा हूँ। क्या मारा बाबू भैया, छोड़ना मत इसको, मर्डर कर देना इसका। तुम मेरे को मारेगा, तुम मेरा बाबू भैया, बाबू भैया। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time.